हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका सेंट्रल टेंडेंसी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मीडियन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक भी हमने मीडियन ही डिस्कस किया था, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अभी बारी है डिस्क्रीट सीरीज की। करने का पैटर्न एकदम सेम है, वैसे तो बेसिक पैटर्न तो सेम ही है कि पहले सीरीज को सीक्वेंस में अरेंज करो और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो, या सोच लो कि डायरेक्ट मिड वैल्यू आंसर आएगा। भाई एन अगर ऑड है तो सीधा एक आंसर आ जाता है मिड में, एन की वैल्यू अगर इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो बीच की दो वैल्यूज का एवरेज हम लोग ले लेते हैं। मीडियन में ये पैटर्न चलता है। तो स्टार्ट करता हूं मैं, आपको उससे समझ में आएगा कि किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो मैं फॉलो कर रहा हूं, फर्स्ट अरेंज द सीरीज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अपन ने ये डिस्कस किया था कि अपन तो फिलहाल इंक्रीजिंग में ही अरेंज करेंगे इसको, तो मैं इंक्रीजिंग में इसको अरेंज करता हूं। देखिए आप, ये मैं यहां पर अरेंज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो x यहां पर और फिर यहां पर f आएगा। तो अरेंज करने के लिए x में सबसे पहले आप 3 लोगे, उसके बाद है 5, उसके बाद अपना आएगा 9, उसके बाद 11 एंड लास्ट 15। 3 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी है 4, सामने वाली लेनी है अपने को, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 की 5 है और 15 की 3 है। ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो सबसे पहले अरेंज किया, दूसरा स्टेप इंडिविजुअल में क्या सीखा था, फॉर्मूला लगाएंगे काउंट करके कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ये अगर आपको पता चल जाए तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां काउंट करो एक बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, काउंट करोगे तो ये आएगा 5, 2, 7, मतलब 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने को दिख रहे हैं। 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, एन हमारा ऑड है और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उस सिचुएशन में पैटर्न फिक्स है। आपका फॉर्मूला है मीडियन का, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो है एन प्लस वन बाई टूथ टर्म। ये अपने को याद होना चाहिए फॉर्मूला। एन की वैल्यू कितनी है यहां पर, 15, तो वहां 15 रखते हैं। ये हो जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म हमें आंसर में चाहिए। 15 प्लस 1 मतलब 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8th टर्म अपने को चाहिए। यहां तक तो सबको समझ में आता है कि चलो पुराना वाला जो पढ़ा था वो अपन ने इतना पढ़ा था, लेकिन अब छोटी सी समस्या ये है कि 8th टर्म कैसे पता चले कौन सी है। फ्रीक्वेंसी से तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये पता चलता है, कौन से नंबर की टर्म चल रही है रैंकिंग टर्म्स की वो नहीं पता चलता। तो रैंकिंग टर्म्स की पता चले उसके लिए फिर हमें कुछ और एडिशनल काम करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल काम होता है यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है अपने पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका क्या काम है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते कैसे हैं ये अपन जान लें। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहां लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, ये होता है अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब निकालते कैसे हैं, निकालने का पैटर्न एकदम सिंपल। सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो ले लो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका वर्ड मीनिंग यही होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब आप पुराना वाला जोड़ते चले जाओ, ये होता है क्यूमुलेटिव का मतलब। अब जैसे ये वाला 1 तो एज इट इज उतार देते हैं अपन हमेशा इसमें, उसके बाद 1 प्लस 4 क्यूमुलेटिव में ऐसे करते हैं, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 3 15। तो एक्चुअल में ये और ये तो सेम ही आएगा हमेशा ही, फिक्स है, क्योंकि क्यूमुलेटिव में हम लोग ऐड ही कर रहे हैं 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 5, ये हो गया फिर 12 प्लस, एक एक करके ऐड ही कर रहे हैं एक्चुअल में। तो क्यूमुलेटिव से अब रैंकिंग निकालना एकदम आसान है। अब CF का मतलब क्या है ये समझने के लिए एक बार इसको डिस्क्रीट की तरह सोचते हैं। डिस्क्रीट की तरह का मतलब क्या है कि सीरीज को मैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, यहां पर इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 जो है एक बार रिपीट हो रहा है तो 3 को एक बार रिपीट करते हुए लिखो, 5 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है तो 5 को 4 बार लिख लो, 9 दो बार रिपीट हो रहा है तो 9 को 2 बार लिख लो, 11 5 बार रिपीट हो रहा है तो 11 को 5 बार लिखो,
और 15 तीन बार रिपीट हो रहा है, तो 15 को आप तीन बार लिख लो। अब अपन समझते हैं कि भाई ये CF का मतलब क्या है। तो CF का मतलब है यहां पर जैसे फर्स्ट वन टर्म्स तक आंसर क्या आएगा, 3। फर्स्ट वन टर्म्स मतलब यहां तक ये 3 आंसर है। अब CF अगर अगले वाले का 5 है तो इसका मतलब है कि 1 के बाद 2 से फिफ्थ रैंक तक, 1 के बाद 2 से फिफ्थ रैंक तक 5 ही आएगा। तो 2, 3, 4, 5 फिफ्थ रैंक तक 5 ही आ रहा है। 7 आ गया, इसका मतलब 5 के बाद मतलब 6 से 7 तक 9 ही आएगा, 6th, 7th टर्म। 7 के बाद 8th से लेकर के 12th तक सारी टर्म्स क्या है अपने पास, 11। 7 के बाद से लेना है हमेशा ध्यान रखें, 7 के बाद मतलब 8th से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th टर्म तक 11 ही है। 12th के बाद 13th टर्म से 15th तक, सबके साथ 15 है, 13, 14, 15। तो ये सीक्वेंस, ये रैंकिंग पता चल जाती है CF से। एक्चुअल में CF किस लिए काम आ रहा है, हमारे रैंकिंग पता करने के लिए कि किस नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो अब यहां से क्या है, अपने को रैंकिंग पता चल जाएगी तो यहां से आंसर इजीली मिल जाएगा अपने को। 8th टर्म निकालना चाह रहे हैं हम लोग, 8th टर्म आएगी 7 के बाद में, 7th टर्म तक तो 9 ही आ रहा है हर जगह। 8th टर्म कहां आएगी, 7 के बाद 12th तक में ही 8th टर्म मिलेगी अपने को। तो 7 के बाद 11 शुरू हो जाते हैं, 7th रैंकिंग के बाद 11 आना शुरू हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8th नंबर पे कौन आएगा, 11। तो यहां से बदलते हैं, 7th के बाद ये आंसर आ जाएगा 11। 11 इसका मीडियन हो गया। अब ये तो मीडियन अपने को निकालना आ गया कि पैटर्न क्या है। आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, पहले तो अरेंज करो, फिर CF निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार अपन थोड़ी सी यूं ही प्रैक्टिस कर लेते हैं रैंडम। इस क्वेश्चन में आंसर तो आ गया, 8th टर्म के अलावा कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं इस बात की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं यहां पर कुछ टर्म्स लिखता हूं, वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो अपन निकालना चाह रहे हैं 6th टर्म, अपन निकालना चाहते हैं 10th टर्म, अपन निकालना चाहते हैं 2nd टर्म, अपन निकालना चाहते हैं 15th टर्म, अपन निकालना चाहते हैं मान लो 4th टर्म, 5th टर्म, ये सब निकालना चाहते हैं अपन। उससे अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन ये। 6th टर्म कौन सी है, 6th आएगी 5 के बाद, 7 के अंदर अंदर, 5 रैंकिंग के बाद रैंकिंग आएगी 6th और 7th की, तो वो क्या है, वो अपना 9 आ रहा है। 10th टर्म कहां से मिलेगी, 10th मिलेगी 7 के बाद 12th के बीच में, 7th के बाद 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, सबके सब कितने ही हैं, 11 है, तो सबके सब 11 है, तो 10th टर्म भी क्या हो गई, 11। ऐसे नेक्स्ट 2nd टर्म, 2nd आएगी 1st के बाद में, 1st के बाद में 2nd, 3rd, 4th, 5th तक सबके सब 5 है, तो 2nd भी 5 है, 3rd टर्म भी 5 है, 4th भी और 5th भी, तो ये 5 हो गया। सेम ऐसे ही 15th टर्म अगर निकालनी है, तो 15th टर्म का मतलब है सीधा ये 15 तक, तो सीधा 15 ही है। 4th टर्म निकालनी है तो 1st के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th सबके सब क्या है, 5 ही है। और अगर 5th टर्म निकालनी है तो 5th भी कौन सी है, 5 ही है। तो ये इस तरह से मतलब कैलकुलेट होता है कोई भी टर्म। बाकी तो फॉर्मूले से जो भी आएगी वो एक टर्म अपने को निकालनी होगी बस, केवल। तो इस तरीके से मीडियन निकालना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये हम लोग ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल। तो तीनों स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद CF निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सबसे पहला काम तो अरेंज करने का है, तो मैं यहां पर अरेंज कर रहा हूं। तो अरेंज करने में जब आप x और f का कॉलम बनाओगे, तो x में सबसे पहले आएगा 9, उसके बाद नंबर है 15, उसके बाद 17, उसके बाद 20, 28 एंड लास्ट 30। फ्रीक्वेंसीज 9 की है 4, 15 की है 3,
17 की 7 है, 20 के सामने है 2, 28 का 9 फ्रीक्वेंसी है और लास्ट 30 की 3 है फ्रीक्वेंसी। ये हमने फ्रीक्वेंसीज टोटल कर ली हैं जो भी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपना CF निकालने का। CF कैसे आएगा, ये 4 एज इट इज, यहां पर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16 प्लस 9 25 प्लस 3 28 यहां आया है, मतलब इसका टोटल 28 रहा होगा तभी यहां पर 28 पहुंचा है। 28 टोटल होने का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन आ गए, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला चेंज है। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए था, ये है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो एन अगर इवन है तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला है कि एक तो एन बाई ट्वेल्थ टर्म ले लो और एन बाई टू प्लस वंथ टर्म ले लो, मतलब जस्ट आगे वाला टर्म, और टू से डिवाइड कर दो। एन बाई ट्वेल्थ, एन बाई ट्वेल्थ मतलब 28, 28 बाई टू मतलब 14th टर्म प्लस, उससे एक ज्यादा प्लस वन कर रखा है, 15th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। 14th टर्म कौन सा दिख रहा है यहां पर, 14th टर्म डायरेक्ट ही दिख रहा है, CF की वैल्यू 14 है, मतलब 8 से लेके 14 तक सबके सब क्या है 17, वैल्यू सबकी 17 है, 14th टर्म 17 हो गया। 15th टर्म जाहिर सी बात है 14 के बाद ही आएगा, 14 के बाद 15th और 16th टर्म दोनों कौन से हैं 20, तो यहां पर आएगा 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 14th टर्म तो आ गया 17, 14th के बाद वाला टर्म आया गया 20, वो यहां लिख दिया, तो ये दोनों बन गए अपने 37 डिवाइडेड बाय 2, 18.5 आंसर आ गया फाइनल मीडियन का, ये हमारा मीडियन बन गया। तो ये हमने डिस्क्रीट सीरीज देख ली दोनों तरह के एग्जांपल्स लेकर के, जब एन इवन हो एन ऑड हो, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, तीसरी और लास्ट बची हुई है कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं और कंटिन्यूअस सीरीज शुरू कर रहा हूं। देखिए मीडियन में लास्ट है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट से अलग होता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए तो हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला एकदम सेम है, यहां थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग लेते हैं यूज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और होल ब्रैकेट में इंटू में एच। यहां एल क्या है, एल है लोअर लिमिट, एन है कैपिटल एन हमेशा सिग्मा एफ होता है, स्मॉल एफ भी फ्रीक्वेंसी होता है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहां सी एफ में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अपर सी एफ। अब ये अपर सी एफ क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ये अपन क्वेश्चन लेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगी। मैं केवल एक बेसिक आइडिया फॉर्मूले का आपको बता रहा हूं कि ये होता है, अप्लाई कैसे करना है या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। एच यहां पर क्या है, क्लास इंटरवल, कि क्लास में गैप कितना चल रहा है। तो ये एग्जांपल लेते हैं, अपने को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और ये सब चीजें क्या हैं उसमें। देखिए मैं लिखता हूं, तो ये मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसमें अरेंज करने वाली तो कोई बात होती नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा अरेंज्ड ही आती है सीक्वेंस में वो। तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा है सीएफ निकालने का, तो यहां भी सेम स्टेप ही है नेक्स्ट वाला, तो सीएफ निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आप सीएफ निकालो, यहां पर सीएफ अगर निकालेंगे तो ये बनेगा ये तो 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20 और 20 प्लस 2 22, तो ये हमारा फाइनल CF आ गया। अब CF आने से ये हुआ कि भाई ये जो 22 है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसका टोटल भी 22 ही रहा होगा। तो इतना तो हमें क्लियर होता है कि n की वैल्यू तो फिक्स है, सिग्मा f के हिसाब से 22 आ गए। तो मैं यहां तो लिख देता हूं कि ये तो जो है ये तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये सब वैल्यूज कैसे निकालें। तो ये सब वैल्यूज निकालने के लिए किसी एक क्लास को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये क्लास सेलेक्ट हो रही है, इस क्लास के लिए ये सब चीजें निकाल रहे हैं हम लोग। तो अगर ये क्लास सेलेक्ट होती है तो ये टेन इसकी लोअर लिमिट मानी जाती है और 20 इसकी अपर लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर अपर वाली चाहिए, तो इस क्लास से अपर वाली 3 आ जाएगी। तो
तो अगर क्लास सेलेक्ट होती है तब तो निकाल लेंगे अपन, लेकिन क्लास कैसे सेलेक्ट करें? मीडियन क्लास, कौन सी क्लास ली जाए? ये ली जाए, ये ली जाए, ये या फिर ये कैसे पता चलता है? ये पता चलेगा अपने को इससे, n by 2 आप अलग से निकालो, n by 2 अगर निकालें तो n by 2 का मतलब है यहां पर n मतलब 22 by 2 मतलब 11th टर्म किस जगह दिख रहा है वही क्लास सेलेक्ट होगी। ये हमने क्लास सेलेक्ट करने का प्रोसीजर किया n by 2, हमेशा फिक्स्ड पैटर्न है ये। अब n by 2 से 11th आ गया और 11th हमें पता है कि 8th के बाद 12th के अंदर अंदर आ जाएगा, तो 8th के बाद और 12th के अंदर अंदर आ जाएगा, तो ये वाली क्लास हमने सेलेक्ट कर ली एक तरीके से, ये हमने क्लास सेलेक्ट कर ली है और इस क्लास का नाम है मीडियन क्लास। ये हमारी क्लास सेलेक्ट होगी। अब आखिरी काम है इन सब वैल्यूज को पता करना। तो सब वैल्यूज में सबसे पहले तो ये है हमारी लोअर लिमिट L, उसके बाद N तो अपने पास है ही, CF अपने पास आएगा, अपर CF, तो ये जो है इसकी CF तो ये है, लेकिन ये नहीं लेनी अपने को, लेनी कौन सी है फॉर्मूले के हिसाब से? अपर वाली CF, तो इसको CF कंसिडर किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात है तो ये रही फ्रीक्वेंसी इस क्लास की, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लास इंटरवल की बात है तो 10-10 का गैप चल रहा है, वो तो पैटर्न फिक्स ही रहेगा सबका, क्लास इंटरवल सेम ही रहेगा, तो 10-10 का पैटर्न चल रहा है। तो अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये वाला मैं इस तरफ ही लिख देता हूं, आप लोग देखिए इसको, अगर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें तो क्या बनता है यहां पर, एल मतलब 20 प्लस में n by 2 हमने निकाला है 11 आएगा, 11 माइनस CF हमारा है 8 अपॉन में F है हमारा 4 और इनटू में H हो रहा है 10, तो ये कितना बनेगा 20 प्लस में 11 माइनस 8 3 के इक्वल है, 3/4 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 30/4 आ गया, जो कि होता है 7.5 के इक्वल, मतलब आंसर आएगा 27.5। एक यहां इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, मीडियन 27.5 आ तो गया, हमेशा जो मीडियन आएगा वो जो क्लास आपने सेलेक्ट करी है उसके बीच में ही आएगा, मतलब मीडियन 20 से 30 के बीच में ही आएगा, ये फिक्स्ड है, इसके अलावा कोई मीडियन नहीं आएगा, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है मतलब ठीक है, काम सही किया है मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरीके से मतलब हम लोग कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये तो क्या है, अपन ने एग्जाम्पल लिया है एक्सक्लूसिव सीरीज का, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 ये सेम आ रहे हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं इंक्लूसिव सीरीज का, कि उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, तो अपना कंप्लीट कवर हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, ये सब बता रहा हूं, केवल फॉर्मूला बचा रहा हूं, तो केवल क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। देखिए इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव सीरीज में क्या फर्क है, यहां पर गैप आ जाता है 69, 70, 79, 80, 89, 90। तो हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर इंक्लूसिव सीरीज आए तो इंक्लूसिव के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोग उसको पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में और उसके बाद ही हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अगर इंक्लूसिव सीरीज आ जाए तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सक्लूसिव में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगी, देखिए आप क्लास पहले लिखेंगे आप, फिर ये फ्रीक्वेंसी, क्लास आपकी क्या बनेगी, क्लास आप में यहां पर लिख देनी है 59 हटाना है, 16 हटाना है, दोनों की लड़ाई खत्म करने का तरीका है 59.5 इसको दो, 59.5 इसको दो, सेम ऐसे ही 69 हटाना है, 70 हटाना है, दोनों की लड़ाई खत्म होएगी, यहां पर अगर हम लोग 69.5 इसको दें और 69.5 इसको दें, सेम ऐसे ही आगे चलता जाएगा। मेन बात यह है कि जैसे 60 से पहले वाला हुआ यहां पर, 70 से 0.5 कम वाला हुआ, तो सिमेट्रिसिटी के हिसाब से यहां भी 49.5 इससे 0.5 कम वाला लेंगे हम लोग,
तो अब इसको मैं उधर अरेंज कर रहा हूं, देखिए आप कैसे अरेंज कर रहे हैं, 49.5 से 59.5 यहां आ गया, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5 और लास्ट 89.5 से 99.5 तक हमने ये जमा दी। फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी 254, 8 और 3, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। और अब आखिरी काम करना बाकी है जो कि होता है सीएफ निकालने का। सीएफ निकलेगी तो क्लास सेलेक्ट होगी, क्लास सेलेक्ट होगी तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि तभी वैल्यूज निकलेंगी इनकी। तो सीएफ निकालें पहले, सीएफ निकालते हैं पहले। सीएफ निकलेगा यहां पर 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 3 22। तो यहां 22 आया है, इसका मतलब ये जो f का टोटल है वो यहां पर 22 रहा होगा, जिसको कैपिटल n कह सकते हैं अपन। अगर कैपिटल n आ गया तो क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्लास सेलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो है n बाई 2th टर्म वाला। n बाई 2 मतलब 22 बाई 2, वो आएगा 11th टर्म। 11th टर्म कहां दिख रही है अपने को? 11th आएगी 7 के बाद में, 7 के बाद में ही 11th आ रही है यहां पर। 8th, 9th, 10th, 11th सब के सब यहीं पर आ रही हैं। तो 11th टर्म के हिसाब से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाली। ये हमारी क्लास हो गई मीडियन क्लास। इसको आप लिख सकते हो यहां पर कि ये मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास अगर आपके पास है तो सबसे पहली चीज लोअर लिमिट। तो एल हमारे पास आएगा यहां से 69.5, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एफ हो जाएगा। सीएफ ये नहीं लेते, अपर सीएफ लेते हैं तो सीएफ हमारी 7 हो जाएगी। और क्लास इंटरवल तो यहां से साफ साफ दिख रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से मैं इस तरफ कर रहा हूं, L, L means 69.5 प्लस में n by 2 means 11, CF means 7, F means 4 और क्लास का गैप अभी भी 10 ही है। ये हो गया 69.5 प्लस में 11 माइनस 7, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 10। तो 69.5 प्लस 10 आंसर आ गया 79.5। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई जो क्लास आप सेलेक्ट करोगे उसी में आएगा। तो 69.5 से 79.5 तक कोई भी वैल्यू आ सकती थी, तो 79.5 ही आई, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने काम किया। तो क्यों आई 79.5? क्योंकि लास्ट टर्म जो 11th टर्म है वो डायरेक्ट 79.5 ही है। अपने को 11th तक जाना था, 11th अपने को डायरेक्ट दिख गई 79.5। ऐसे ही अगर यहां 19th लिखा रहता तो डायरेक्ट आंसर आता 89.5 एक्चुअल में। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कन्वर्ट क्यों करें अपन? सीधा सीएफ निकाल लें और अकॉर्डिंगली ये वाली क्लास जैसे सेलेक्ट हो रही थी तो ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लें और एक लाइन को बस केवल इतने हिस्से को यहीं पर चेंज कर लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव है पेपर तो हाथों हाथ हो जाता है काम, अननेसेसरी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो डेफिनेटली अपने को टेबल बनानी ही पड़ेगी, कंप्लीट करना पड़ेगा उस केस में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि भाई डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। अब मीडियन के कुछ खास प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और मीडियन से आगे वाले टॉपिक्स फिर फर्दर डिस्कशन में आएंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के अलावा, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन के अलावा, जो क्वेश्चन की शीट है वो भी आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। थैंक यू सो मच।